हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको टेबल टैग के बारे में बताऊंगा। टेबल टैग एचटीएमएल का एक और इम्पोर्टेंट टैग है। टेबल टैग से आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, टाइम टेबल और फॉर्म्स बिल्ड कर सकते हैं आप इससे, और किसी शॉप का या किसी माल का आप इससे बिल तैयार कर सकते हैं। टेबल टैग के अंदर तीन टैग और होते हैं, टीएच टैग, टीआर टैग और टीडी टैग। टीएच टैग से मुराद टेबल हेड, टीआर से मुराद टेबल रो और टीडी से मुराद टेबल डॉक्यूमेंट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एचटीएमएल के बारे में वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में कि वो भी एचटीएमएल सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें इस वीडियो के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपना खोल रहा हूँ कोड एडिटर। यहाँ पे मैंने दो एक फाइल खोली हुई है, index.html। स्टाइल तो मैं ऐसे रखी होती है कि बाद में जब css की मैं आपको बताऊंगा तो css में बताऊंगा। अभी index.html वर्क करेंगे हम। टेबल टैग सिर्फ हम html यूज करेंगे, इसमें स्टाइल करेंगे ऐड, लेकिन css में नहीं, इसमें html के अंदर स्टाइल टैग लगा के हम इसको ऐड कर लेंगे। पहले आप अपना डॉक टाइप बताएं कि html किस किस्म का है, उसके बाद आपने अपना html टैग लगाना है। यहाँ पे आपने अपना हैश टैग। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हैश टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, इन सबके बारे में आपको मैंने बताया था। इसके बाद आपने अपना टाइटल टैग लगाना है। इसके बाद आपने बॉडी टैग, एक मैं आपको जूम कर देता हूँ, बॉडी टैग। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ टेबल टैग, टाइटल इसका नाम। यहाँ पे मैं टेबल नाम का टैग लगाऊंगा इधर, टेबल के अंदर हम वर्क करेंगे। टेबल टैग के अंदर सबसे पहले आपने टीआर टैग डिक्लेयर कराना होता है, जो टैग आपको ऊपर टेबल रो जो उसका डिक्लेयर करता है पूरी। इसके अंदर टीडी टेबल डॉक्यूमेंट, इसमें हम पहले लिखते हैं आइटम। आप कुछ भी तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी फ्रंट इधर इधर डिक्लेयर होगा। यहाँ पे मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इधर आइटम लिखूंगा, आइटम, फिर कोर टीडी टैग, टीडी टैग में लिख देता हूँ क्वांटिटी, एक मिनट, कोर टीडी टैग, टीडी टैग में इसको दे देता हूँ प्राइस। अब मैं इसे कंट्रोल करके सेव करता हूँ, इधर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे आ गया। लेकिन देखेंगे एक पैराग्राफ की तरह स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो उसमें बॉर्डर देने के लिए एक मिनट, यहाँ पे मैं सी एस एस का यूज़ करूँगा। यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इधर एक मिनट, यहाँ पे हम बताएंगे अपने ब्राउजर को के किस टाइप का, यानी हम जो अब स्टाइल ऐड किया है ना, तो इसमें हम उसको टाइप देंगे। टाइप इसमें हम करेंगे टेक्स्ट, सीएसएस के सीएसएस टाइप का टेक्स्ट है। फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने अप्लाई करना है उसमें वो लिखेंगे इधर टेबल कॉमा टीडी, और एक मिनट, यहाँ पे अब इसके अंदर बॉर्डर देंगे, ऐसे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
पर्पल कलर दे देते हैं। आप यहाँ पे जो सा मर्जी कलर दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पर्पल कलर दे रहा हूँ। देखें ये आ चुका है सारे। देखें अभी हमारा बॉर्डर जो 2 लाइन में आया है, और काफी 1 मिनट, लेकिन काफी अभी बीच में स्पेस है, तो अब स्पेस को खत्म करने के लिए इधर हमें एक ऐड करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर स्पेसिंग टैग लगाएंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं इसे 1 पिक्सल। काम हो चुकी है। आप यहाँ पे अपने जिस तरह आपका दिल करे यहाँ पे काट सकते हैं आप इसको। तो अब हम इस सारे को कंट्रोल से करके कॉपी करेंगे, इसी के नीचे कंट्रोल वी, और 3 कॉपीज कर लेंगे इसकी, 3 कॉपीज। ये 1 2 3, चलो 1 मिनट। पहले हम इसको नाम दे देते हैं थीम या आइटम, कौन सा आइटम है, और क्वांटिटी 1, प्राइस 1 मिनट, सॉरी टेन थाउजेंड। फिर आइटम यहाँ पे हम कर देते हैं हेडफोन्स, क्वांटिटी 2 कर देते हैं, और सिंगल के प्राइस यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल ही कर देता हूँ 500। आप यहाँ पे ऐड कर दें इधर आइटम लैपटॉप ऐड, हमने आइटम दे दिया। आप क्वांटिटी भी 1s की कर देते हैं, प्राइस 50,000। यहाँ पे आप इसे सेव करें, इधर अपने ब्राउज़र में जाकर से रिफ्रेश कर तो देखें ये इसके नीचे आ गया सारे, एंड सबसे ऊपर आइटम, फिर आइटम फोन हेडफोन्स। अभी एक चीज़ मिसिंग रह गई हमारी कि ये देखा आइटम क्वांटिटी और प्राइस जो है ना, इस सबने हेडिंग के तौर पे यूज़ करना है। फोन तो नीचे इसका आइटम इसके नीचे आ जाएगा ना, आइटम और क्वांटिटी के तौर पे, इसे हमने हेडिंग के तौर पे यूज़ करना है। इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए हम इसको थोड़ा, यानी इसको थोड़ा डार्क करने के लिए हम एक इधर बस इसमें एक चीज़ यूज़ करेंगे, TD को हमने यहाँ पे हटा देना है, यहाँ पे TH, बस यहाँ सारों पे TH ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे आप TH करेंगे इसका मतलब है टेबल हेड, तो यानी फिर ये हेडिंग तो है, हेडिंग के तौर पे देखें ये आ गया टॉप पे। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखें ये साइड पे है, यानी थोड़ा सा अगर आप इसे अगर सेंटर पे जाना चाहते हैं आप, तो बस इस टेबल से पीछे सेंटर डैग लगा लें, बाकी काट ले इधर भी हमने ऐड करना। खुद दे दिया सेंटर टैग, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सेंटर पे आ चुका है। तो ये था हमारा आज का, आज की वीडियो हमारी बस इतनी थी। तो ठीक है आज की इस वीडियो तक, इसके वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में किसी और टैग के साथ। चलें तब तक के लिए खुदा हाफिज़।